हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी भारत। स्टडी भारत यूट्यूब चैनल में मैं अमन वोरा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूं आपके सामने आज के दिन का मॉर्निंग शिफ्ट का यूजीसी नेट पेपर वन का एनालिसिस। तो हमने कल एनालिसिस मैंने किया था पेपर वन का, वो दोनों शिफ्ट का था, मॉर्निंग और इवनिंग का। तो आज मैं जो 19 दिसंबर 2018 का जो सुबह का मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर वन हुआ था उसका एनालिसिस मैं पेश कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात है कि जो कल का लेवल था, जो यूजीसी लेवल का, वो जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था, मतलब कि ना ज़्यादा मुश्किल था ना ज़्यादा आसान था। पर जो आज का मॉर्निंग लेवल, जो मॉर्निंग शिफ्ट में लेवल आया था यूजीसी पेपर वन का, वो ईजी लेवल था। स्टूडेंट ने बताया कि काफ़ी इजी क्वेश्चन थे तो वो आसानी से कर पाए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि उन्होंने ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड से डाले थे। तो टीचिंग और रिसर्च पे उन्होंने कल मेन जो फोकस किया था, तो बाकी में से सिर्फ थोड़े क्वेश्चन आए थे। तो आज ऐसा नहीं हुआ, आज उन्होंने सभी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया है। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है सभी में। तो जैसे यूजीसी का फॉर्मेट है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में, हर में से एक जैसे क्वेश्चन डालना एक समान, तो इस बार भी ऐसा हुआ। आज मॉर्निंग शिफ्ट में एक जैसे क्वेश्चन डाले थे। हाँ, बस जनरल अवेयरनेस नहीं, उन्होंने सिर्फ दो ही क्वेश्चन डाले थे, वो सभी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, सभी पार्ट में, टीचिंग एंड रिसर्च में, हायर एजुकेशन में, पीपल एनवायरमेंट कम्युनिकेशन में, आईसीटी और कंप्यूटर में। पर वो जनरल अवेयरनेस पर थोड़ा सा कम ध्यान दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने सिर्फ दो ही क्वेश्चन डाले थे। तो आप अच्छे से क्वेश्चन सभी करके जाइएगा, जिससे आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका पेपर जो है अच्छे से हो जाएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट बेस आ रहे हैं, इसलिए आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से तैयार कीजिएगा। आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तभी आपका एग्ज़ाम अच्छा हो पाएगा। इसलिए एग्ज़ाम अच्छा करने के लिए आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए और आपको जो क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्ट के ऊपर ही आएंगे। अब बात करते हैं कि आसान क्या था। डाटा इंट्रेशन जो लेवल था वो इजी था, जैसे मैंने कल बताया था, वो सिंपल बेसिक क्वेश्चन बोल रहे हैं परसेंट एवरेज रेशो के। तो आप डाटा इंट्रेशन की चिंता मत कीजिए, वो इजी लेवल है इसका। जैसे मैंने कल भी बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो लेवल है वो काफ़ी टफ आ रहा है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चन को पढ़ने में समझने में काफ़ी दिक्कत आ रही है, इसलिए आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो काफ़ी टफ पार्ट रहा है। अब बात करते हैं कि रीजनिंग के उन्होंने कौन से टॉपिक डाले थे, आपको किन टॉपिक के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, उन्होंने रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस और नंबर सीरीज के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया है। आप ये देखो कि इन सभी में से क्वेश्चन आ चुके हैं, जैसे आप इन चारों को भी अच्छे से कर लो तो आपके चार क्वेश्चन जो है वो पक्के हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप बाकी तो करो ही करो, साथ में ये जो चार चैप्टर है रीजनिंग के, इसको अच्छे से कर लो, आपके चार क्वेश्चन इसी में से निकल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, जो जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है यूजीसी का, उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में इसको शेयर भी कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,